और अब बात होगी कोविड की। भारत में कोविड 19 के 752 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। 23 दिसंबर को भारत में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3420 हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के ये सबसे अधिक मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक सामने आए कोविड 19 के मामलों की कुल संख्या 4.50 करोड़ है। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 4 लोगों की मौत होने के कारण इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,33,332 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में केरल में 2 तथा राजस्थान और कर्नाटक में कोविड 19 से एक एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या 4,44,71,212 हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, वहीं मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक कोविड 19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।